हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। इसको शुरू करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगी। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन बोला मैंने। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। सबसे फर्स्ट तो हम एडिशन के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि इसकी डेफिनेशन है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिपीट करते हैं। एडिशन हमारे क्या होता है, ऐड करना। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है, हम एडिशन को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। सपोज हम लेते हैं, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, 6 × 3। ये मैंने एग्जांपल लिया 6 × 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 6 है उसको हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स ऐड करेंगे रिपीट करके। 6 वन टाइम हो गया, प्लस 6 टू टाइम हो गया, प्लस 6 ये हमारा हो गया 3 टाइम। ओके, रिपीटेड एडिशन बोला मैंने। 6 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। और फिर क्या है, हमारा एडिशन है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 18। ओके, 6 + 6 + 6 = 18। ये हमारा पहला मेथड है, ये हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। हमारा मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, 6 × 3, 6 + 6 + 6 = 18। ओके, ये हमारा हो गया सिंपल मेथड जो हम एडिशन के थ्रू करते हैं। लेकिन क्या होता है, एडिशन हमारी, ये मेथड हमारा तब काम करता है जब हमारे डिजिट जो है स्मॉल हो, हमारे स्मॉल डिजिट, जैसे 6 है हमारा, 3 है, स्मॉल डिजिट है। अगर हमें स्मॉल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हमें बड़ी, जैसे हमसे बड़े डिजिट दे रखे हों, तो हमारा ये काम नहीं करता, क्योंकि तब हमें जो एडिशन करनी पड़ेगी वो ज़्यादा टाइम करनी पड़ेगी और उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है हमारा। तो इसलिए हमारा दूसरा मेथड क्या है, फर्स्ट तो ये हो गया हमारा, सेकंड हमारा क्या है, हम जो 3 की टेबल है वो 6 तक काउंट करते हैं। ठीक है, हम 3 की टेबल है 6 तक काउंट करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। ऐसे हम क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 से, 3 की टेबल काउंट करते हैं 6 से, 3 × 6 = 18। ओके, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। जो हमारा पहला मेथड है आप कर सकते हो, 6 + 6 + 6, उसको 3 टाइम हम ऐड करेंगे तब भी हमारे क्या आएगा, 18 आएगा। और 3 की टेबल हम 6 तक लेकर जाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा, 18 आएगा। ओके, अब जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में हमारे क्या दे रखे हैं, कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। देखिए ये हमारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आपको दिख रहा होगा, हम एक एक करके इसको करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी है हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमारी क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर क्या होता है हमारा, ऑर्डर हमारा होता है जैसे हम, हमें कोई भी चीज़ें दे दी, 3-4 चीज़ें दे दी या 7-10 चीज़ें दे दी, कितनी भी दे दी, हमें उनको अरेंज करना होता है। ठीक है, किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बड़ी चीज़ है उसको सबसे पहले कर सकते हैं, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या फिर सबसे पहले हम छोटा ले सकते हैं फिर उसको बड़ा करते जाएंगे। इसी तरह हमारा ऑर्डर होता है। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टी का क्या है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज करो 6 × 3 ही लेते हैं हम, 6 × 3, ये हमने लिया, हमारा आंसर इसका क्या आया था, 18 आया था। हमारा ऑर्डर इसमें क्या है कि फर्स्ट नंबर पर हमारा 6 आया है और सेकेंड नंबर पर क्या आया हमारा, 3 आया है। हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब इनकी पोजीशन जो प्लेस है हम वो चेंज करते हैं। हम 6 की जगह पे क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, और 3 की जगह क्या लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। अब भी क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करनी है तो हम क्या करेंगे, 3 की टेबल कहाँ तक लेके जाएंगे, 6 तक। अब हमारा 6 यहाँ है तो 6 की टेबल कहाँ तक लेके जाएंगे, 3 तक लेके जाएंगे। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18 = कितना हो गया हमारा, 18 आ गया। ठीक है, दोनों में आंसर क्या आया, सेम। इट मीन्स क्या है, अगर मल्टीप्लिकेशन में जो भी हमारे डिजिट होते हैं, अगर हम उनके नंबर को, जो उनकी पोजीशन है उनको हम चेंज कर देते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये है हमारी और प्रॉपर्टी। ओके,
सेकंड है हमारे ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो स्मॉल डिजिट लेते हैं, मैंने लिया 2 × 3 लिया, ओके, इंटू हमने ले लिया 4, ओके, 2 × 3 × 4 हमने ले लिया। हम ग्रुपिंग है, ग्रुप का क्या मतलब होता है, दो चीज़ों को इकट्ठा कर देना, ग्रुप पेयर्स बना देना, हम इनके पेयर्स बना देते हैं किसी भी दो नंबर के, या 3 या 4 के बना दो या हम 2 3 के बना दो। पहले हम सपोज करो 2 और 3 के बनाते हैं, हमने इनको ब्रैकेट्स में ले लिया, ओके, इनका ग्रुप बना लिया। अब हम इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा कितना होता है, 3 2 जा कर लो 6, अब ये मल्टीप्लाई 4 4 6 जा 24, हमारा आंसर क्या है 24 आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने 2 और 3 का ग्रुप बनाया ना, अब हम 3 और 4 का ग्रुप बनाते हैं, ये हमने बना लिया ग्रुप, ओके, ग्रुप बनाया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे जो ब्रैकेट में, क्योंकि जो ब्रैकेट्स में होते हैं पहले उन्हीं को सॉल्व करना होता है। 2 × 4 से क्या होता है 12, 12 × 2 से क्या होता है 24। देखो यहाँ भी 24 आंसर आया है और यहाँ भी क्या है हमारा 24 आया है, तो ये दोनों क्या है हमारे सेम है। इसका मतलब क्या है, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, अगर हम मल्टीप्लीकेशन में किसी 2 डिजिट का या 3 डिजिट का 4 डिजिट का हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं और फिर इसी ग्रुप को हम चेंज करते हैं सेम उन्हीं डिजिट के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ओके। नेक्स्ट करते हैं हमारी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बाय 1। देखो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बाय 1 क्या होती है, बाय 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो नंबर इटसेल्फ आता है, मतलब सेम जिस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा आंसर भी क्या होगा, सेम वही नंबर होगा। जैसे मैं करूँ 6 × 1, 6 × 1 मैं करूँ, 1 6 = 6 होता है, या 6 × 1 क्या आता है 6, ठीक है। या मैं 8 को करूँ 1 से, तब भी हमारे क्या आएगा 8 × 1 = 8, तो क्या आया, ये तो हमारा 1 है, हम 1 को इन डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे क्या आता है, सेम वही नंबर आता है, ओके। तो ये है हमारी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बाय 1। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, अब ये करते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 क्या होता है। फर्स्ट तो ये आप याद रख लो, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से करते हैं तो उसको भी क्या बना देता है, 0 बना देता है, ओके। जैसे हम 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। 8 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। हमारी यही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 हमारी क्या है कि किसी भी डिजिट को हम 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। ये तो होगी हमारी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब मैं आपको कुछ मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। सपोज मैंने 3 डिजिट लिए, 234, पहले 2 डिजिट वाला करते हैं, हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, ठीक है, इसमें कोई कैरी नहीं है, सिंपल सम है, ओके। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ठीक है, इसको भूल जाओ आप 2 को, इसको 2 को भूल जाते हैं हम कुछ देर के लिए। हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से कर रही है, हम 2 की टेबल कहाँ तक लेके जाएंगे, 3 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ओके, 2 3 क्या आया, 6, हमारा कैरी क्या गया, कुछ भी नहीं गया है, ओके। तो हम 6 को क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, हमने पहले 2 की मल्टीप्लाई किससे की, 3 से की, ठीक है, 3 से कर दी मैंने, पहले हमने 2 रफ कर दिया था, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की थी, अब क्या कर देंगे, 3 को कर देंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 2 से, 2 2 4। ये है हमारी सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अगर हमारा ये ऐसे लिखा हो 23 × 23 × 2, ओके, तो भी इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको या तो अगर आपको 2 की टेबल 23 की टेबल आती हो तो 23 की टेबल 2 तक लेके जाइए, ठीक है, और या फिर आप ऐसे करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारा क्या आएगा, सेम आंसर आएगा 46। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके फिर इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको 3 डिजिट करके दिखाती हूँ, यही लेते हैं हम, यहाँ पे 8 और ले लेते हैं,
4 ले लेते हैं और हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई 2 से। ओके देखो वही सेम, जब यहाँ पे 4 नहीं था तो हमने क्या की थी, लास्ट वाले डिजिट से की थी ना, मल्टीप्लाई हम यहीं से करते हैं। हमारी एडिशन होती है वो भी हम लास्ट से करते हैं, सब्ट्रैक्शन होती है वो भी लास्ट डिजिट से करते हैं, मल्टीप्लाई भी लास्ट डिजिट से करते हैं, ओनली हम डिवीजन जब करते हैं वो लास्ट डिजिट से हम नहीं करते हैं, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन और जो ये मल्टीप्लाई होती है हम लास्ट डिजिट से करते हैं। ओके क्या करेंगे हम, 2 की मल्टीप्लाई हमें पहले किससे करनी होगी, 4 से। क्या करनी होगी, 2 की टेबल 4 तक, 2 4 से क्या होता है हमारा 8। ओके कोई कैरी नहीं गया हमारा, हमने 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दी, 4 से। जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो इनको भूल जाओ कि ये है ही नहीं हमारे पास, हमें 2 की मल्टीप्लाई किससे की, 4 से, 2 4 जा 8। अब हमारा ये 4 से हो गया, ये नंबर हमारा कट कर दो, अब यहाँ से रफ करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप समझ लो कि हमने 2 की मल्टीप्लाई 4 से कर दिया तो 4 हमारा कट हो गया। ओके और 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, 2 3 जा 6, 6 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ओके अब हमारे 2 डिजिट चले गए, हमने 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारा क्या बच गया, 2। तो अब 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अब मैं आपको कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दिखाती हूँ जो आपकी बुक में है इन थर्ड क्लास। 23 into 20। ओके ये हमारी मल्टीप्लीकेशन है 23 into 20, ये फोर्थ क्लास में भी है और थर्ड क्लास में भी है। ओके तो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको देख सकते हैं, 23 into 20 है हमारा। हम इसको क्या, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, अगर इसको हम ऐसे कर सकते हैं या तो 23 into 20, ठीक है हम ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बताती हूँ, हमें क्या करना है, हमें कुछ दे, जैसे अगर हमारी ये जीरो है ना, सबसे पहले तो हमें देखना है कि जीरो कितनी है, एक जीरो है हम इस जीरो को भूल जाते हैं, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पे जो हमारी जीरो है वो है ही नहीं, ओके तो हमने क्या किया, हम जीरो को भूल गए, हमारा क्या बच गया, 23 into 2 बच गया, क्या बच गया, 23 multiply 2 बच गया। ओके अब हम पहले इसको कर लेते हैं, इसको कैसे कर सकते हो, जैसे आप कॉलम में लिखते हो इसको 23 multiply 2। ओके सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था आप वैसे ही करो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ओके ये हमारा क्या आ गया, 46 आ गया। अब हम क्या, हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 10 है ना, तो हम हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट में इसको 10 लगाना है और ये हमारा क्या हो गया। ओके बिल्कुल इजी है, हम 23 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करेंगे पहले इस जीरो को हम भूल जाएंगे, 23 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके हमें 2 से मल्टीप्लाई की, हमारा क्या आ गया, 46 आ गया। अब पीछे हमारा क्या था, 10 था, हमने यहाँ 10 लगा दिया, ये हमारी मल्टीप्लाई होगी। ओके सेम हमारे कोई भी डिजिट आ जाती है, मान लो 23 को मल्टीप्लाई करना है हमें 40 से, ठीक है हम तब भी क्या करेंगे, इसमें कैरी आ जाएगा, कैरी वाले मैं आपको अभी करके बताऊंगी, लेकिन करना वैसे ही है, हमें जीरो को भूल जाते हैं कुछ देर के लिए और इस 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 23 से करनी है। तो हम क्या करेंगे, 23 लिखेंगे मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो भी आंसर आता है उसके बाद हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ओके सपोज करो यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 20 है, यहाँ मैं 10 और लगा देती हूँ, अब क्या हो गया, ये 200 हो गया ना। इसको भी सेम आप वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया, क्या करेंगे हम कुछ देर के लिए ये जो 20 है ना इनको भूल जाएंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया था हमारा 46, और क्या लगा देंगे हम ये जो 20 है ना ये इसके लास्ट में लगा देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 6। ओके सेम आई होप आपको समझ आया होगा, मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। अब जो हमारे कैरी वाले होते हैं जो मेन है या 2 डिजिट वाले जो सम है वो आपको समझाते हैं, पहले बिना कैरी वाले थे 2 डिजिट वाले, फिर मैं आपको कैरी वाला बताऊँगी। मैंने एग्जांपल ये जैसे
22 मल्टीप्लाई ऐसे नहीं लिखते, ऐसे 12 से लिखते हैं, ओके 22 मल्टीप्लाई 12, ये दो, यहाँ भी दो डिजिट है, यहाँ भी दो डिजिट है, अब तक तो हमने वन डिजिट वाले ही किए हैं, तो अब इनको देखते हैं हम कैसे करते हैं, ओके सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं 22 मल्टीप्लाई 12, ओके। पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा 12 है ना, यहाँ हमें 12 लिखा हुआ है, हमें याद है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस 1 को हम ड्रॉप कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, या पहले आप इस 2 को लिखो, 1 को लिखो, ठीक है, ये मैं इजी हो जाएगा इसीलिए आपको बता रही हूँ। पहले हम 2 की मल्टीप्लाई जैसे हम पहले करते थे, 2 2 4, ओके हो गई इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 2 इससे करेंगे 4, इतना हमने कर लिया। 2 की मल्टीप्लाई इससे कि पहले लास्ट से करते हैं ना, लास्ट वाले डिजिट से शुरू करते हैं, 2 2 4, 2 2 4 हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अब 1 लिख लेते हैं अपना, जो हमारा 1 होता है, ये वाला 1 जो हमारा। अब क्या करना है, या तो आप ये जो 4 है ना, ये वाला 4, इसके नीचे या तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो आप, इसके नीचे क्रॉस लगा दो, क्रॉस, ओके क्या लगाएंगे आप, क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, क्रॉस लगाया हमने। अब आगे देखो हमें क्या करना है, अब हमारी 2 से मल्टीप्लाई हो गई थी ना, अब हमारा क्या रहता है, 1 रहता है, तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इस 2 को भूल जाओ, ये 2 है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा इसका काम खत्म हो चुका है, हमने इसको कर दिया, ठीक है, अब 1 की करना है। अब देखो हम, मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट वाले डिजिट से हम मल्टीप्लाई शुरू करते हैं ना, तो सेम वही करेंगे, 1 की पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले डिजिट से, 1 2 का क्या होता है, 2 1 2 से क्या होता है, 2 2, हम क्या लिखेंगे, इसके नीचे यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमने क्रॉस लगा दिया, क्रॉस लगा दिया यहाँ तो हम कुछ लिखेंगे नहीं, 1 2 2 हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ओके 1 2 2। अब इसके साथ हो गई हमारी मल्टीप्लाई, अब किसके साथ करेंगे, इसके साथ 1 2 2 हो गया हमारा। अब आप देख सकते हैं इस 2 को, क्योंकि अब हमने 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है और 1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 लाइनें लगानी है और इनकी एडिशन करनी है। एडिशन कैसे करेंगे, देखो 1 के नीचे क्रॉस है ना हमारा, 1 के नीचे क्या क्रॉस है, तो अगर 1 इस 4 में क्रॉस तो ऐड कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 को एज इट इज लिख देंगे, क्या करनी है अब हमें इनकी एडिशन करनी है, ओके 4 को हमने क्या लिख दिया, सेम ऐसे ही लिख दिया 4। अब क्या है, 4 में हम 2 ऐड करेंगे, 4 और 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर मल्टीप्लीकेशन, ओके। मैं एक बार और रिपीट करके आपको बताती हूँ, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस 1 को भूल जाए थे, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे लिखना ही नहीं है, ये इसको लिखना है, लेकिन बाद में, अभी के लिए इसको रहने दो। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 2 से, 2 2 जा क्या किया हमने, 4 लिया लिख दिया, ओके अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 2 जा 4, ओके हो गया। अब क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई हो गई है तो हमारा क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ओके ये 2 हमारा अब गाय, हम इसको यहाँ से हटा देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए करवा रही हूँ, अदरवाइज जब आपकी पूरी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो यहाँ पे ये 12 यहाँ पे पूरा लिखना है, ओके। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट वाली डिजिट जो आई है हमारी, इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे, या आप 0 लिख लेना, ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगे, अगर आपको क्रॉस लगाना ईजी लग रहा है, क्रॉस से आप याद कर पा रहे हैं तो आप क्रॉस लिख लो, अगर 0 से आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रही है तो आप 0 भी लिख सकते हो, ओके मैंने यहाँ क्रॉस लगाया, आप 0 भी लिख सकते हो, क्रॉस भी। 1 2 का क्या होता है, 2, ये हमने इस 4 के नीचे लिखा है, जो हमारे डिजिट बच गए, 4 तो हमने लिख दिया, इसके नीचे क्रॉस लिख दिया, हमारी 4 डिजिट बची थी, तो हम क्या करेंगे, 1 2 2, फिर हमारी क्या हो गई, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी, अब हमारा ये 2 भी रहता है ये वाला, तो 1 2 2, ये हमने इसके आगे लिख दिया, ठीक है। अब हमारा आधा काम हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है, ओके ऐड करेंगे,
फोर हमारा फोर आएगा क्योंकि इसके नीचे हमारा क्रॉस है, कोई कुछ है नहीं ऐड करने को, फोर का फोर आएगा, फोर टू सिक्स और टू का टू क्योंकि इसके ऊपर हमारा है ही, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके आई होप आपको समझ आया होगा ये, ठीक है। चलो एक और सम करते हैं, इंटू मल्टीप्लाई सॉरी इंटू नहीं 14 मल्टीप्लाई 13 ले लेते हैं क्योंकि इसमें कैरी भी आ जाएगी, फिर मैं आपको कैरी भी ऐड करके बता दूंगी। ओके 14 मल्टीप्लाई 13 लेते हैं, चलो इसे करते हैं 14, ऐसे लिखा हमने, यहाँ लिखा हमने 13। ओके चलो इसको करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम कहाँ से लगेंगे, यहाँ से लास्ट से। ओके थ्री की टेबल कहाँ तक लेके जाएंगे, पहले हम फोर तक लेके जाएंगे, थ्री फोर जो क्या होता है 12, थ्री फोर जो क्या होता है अब 12, देखो अब हमारे ये होता है 12। अब हम यहाँ 12 का 12 नहीं लिख सकते, दिस इज क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थ्री फोर जो क्या होता है हमारा 12, हम 12 को यहाँ पर नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे देखिए क्या लिखेंगे, ये आया हमारा 12, हम क्या लिखेंगे ये जो लास्ट वाला डिजिट है 2, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके 3 4 12, 2 लिखा हमने यहाँ पे, अब क्या बच गया हमारा 1 बच गया ना। अब इस 1 को क्या करेंगे हम, कैरी, कैरी किस पे लगाते हैं, एडिशन में कैरी किस पे लगाते हैं, नेक्स्ट नंबर पे लगाते हैं ना, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हम कैरी लेते हैं तो आगे वाले नंबर से लेते हैं जो उसके आगे लिखा होता है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये जो 1 कैरी आएगा ये कहाँ जाएगा, इस 1 के ऊपर जाएगा। ओके ये 1 कैरी हमारे यहाँ आ गया, 3 4 जो हमने 12 किया, 3 4 जो 12 आया था, 12 का हमने ये जो 2 है ये यहाँ लिख दिया, और जो 1 है ये हमने कैरी लगा दिया ऊपर। ओके अब ये हमारा काम हो गया। अब देखिए मैंने कहा था आपको 1 को भूल जाना अगर ऐसे, तो थोड़ी देर के लिए मैं 1 को रब कर देती हूँ, अब हमारा 3 एक्सपोज करो, ठीक है। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई 4 से तो कर दिया, अब क्या बच गया हमारा 1 बच गया ना, 1 से मल्टीप्लाई करनी रहती है, तो 3 1 जो क्या होता है 3। ये याद रखना कि जो 1 है कैरी, हम 1 को 1 में ऐड नहीं करेंगे। ओके हमें 1 को 1 में ऐड नहीं करना है, हम क्या करेंगे पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, 3 1 जो क्या होता है 3, 3 1 जो क्या होता है 3, 3 आया हमारा। अब इस 3 में हम ये कैरी जो है ये ऐड करेंगे, 3 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 4, ये जो 4 है हमारा ये यहाँ हुआ। ओके मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले हमने क्या किया 3 की मल्टीप्लाई 4 से किया, 3 4 जो 12, 12 आया हमारा, 12 का हमने क्या किया 2 लिखा यहाँ पे, और जो ये 1 है ये ऊपर कैरी लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ जो इससे आगे नंबर था ना 1 था, ये हमने क्या किया इसके ऊपर कैरी लिख दिया। ओके अब हमने 3 की मल्टीप्लाई किससे की, 1 से, 3 1 जा क्या आया 3, अब ये जो कैरी है अब इस 3 में ऐड होगा ना कि इस 1 में। ओके 3 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 4, जैसे 3 से हो गई हमारी मल्टीप्लाई, अब हमारा क्या बच गया 1, तो हम 1 को लिख देते हैं यहाँ से। ओके और इस 3 को क्या कर देते हैं रफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और कैरी को भी रफ कर देते हैं क्योंकि ये 3 की कैरी थी। ओके अब देखो क्या बताया था मैंने, क्रॉस लगेगा ना, यहाँ हम क्रॉस लगा देते हैं। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, पहले 4 से, यहाँ से मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है, 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4 से, 1 4 4। ओके हमारे कोई कैरी नहीं लगी है, इसमें हमारी कैरी लगी थी, हमारा 12 आया था ना, 12 का हमने 2 यहाँ लिख दिया था और 1 कैरी थी, लेकिन इसमें कोई कैरी नहीं है, 4 है, 4 में कैरी कहाँ से लगाऊंगी, कोई कैरी नहीं है। ओके 1 4 4 और 1 1 जा इसकी होगी हमारी मल्टीप्लाई 4 से, और हम किससे करेंगे 1 की 1 से, 1 1 जा 1 हो गई। और अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, 2 का क्या आ जाएगा हमारा 2, 4 में 4 ऐड करेंगे हम क्या आ जाएगा हमारा 8, और 1 का क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। 2 का 2, 4 4 8 और 1, ये हमारे क्या हो गया आंसर, ठीक है। मैंने आपको कैरी वाले भी करवा दिए हैं और जो कैरी वाले नहीं हैं वो भी करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा,
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके, और या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं।